हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे खीरे का ड्रिंक। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक चम्मच सब्जा लिया है। ये तुलसी के बीज होते हैं, ये सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है और गर्मियों के दिन में इसे पीने से शरीर को बहुत ही ठंडक मिलता है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। यहाँ पर हमने दो खीरा लिया है। अब इसे हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे। आगे और पीछे के भाग थोड़ा थोड़ा हटा देंगे, इसका छिलका हम नहीं हटाएंगे। देखिए, इसे मैंने काट लिया है। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, इसमें हम इसको डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप पुदीना पत्ता। पुदीना पत्ता को हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। थोड़ा सा अदरक डाल देंगे, 4 चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। 1 चम्मच काला नमक डाल देंगे। अब इसमें हम आधा गिलास पानी डाल देंगे। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब इसे हम छान लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है। अब इसके ऊपर हम छन्नी को डाल देंगे। खीरे के पानी पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। गर्मियों में आप इस ड्रिंक को जरूर बना के पिए और ये पाचन के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। इसे हमने छान लिया है, अब इसे हम हटा देंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3 गिलास पानी। अब इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। 2 नींबू का रस डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है। अब इसमें हम सब्जा को डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। इसे हमने मिला लिया है। यहाँ पे हमने ग्लासेस ले लिए हैं, इसमें हम जूस को डाल देंगे। अब इसमें हम आइस क्यूब को डाल देंगे। इसे हम गार्निश कर लेंगे। इसके ऊपर हम खीरे को इस तरह से लगा लेंगे। इसके ऊपर आप पुदीना को डाल देंगे। अब खीरे का ड्रिंक बनके तैयार है। तो आप भी इस रेसिपी को बनाकर एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।